रामचरितमानस के अनुसार श्री रामचंद्र का जन्म चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी और अभिजीत मुहूर्त में दोपहर 12 बजे हुआ था, इसलिए चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को हम रामनवमी के रूप में मनाते हैं। राम इस शब्द का अर्थ है स्वयं का प्रकाश। इस त्योहार को मनाने का उद्देश्य है हमारे भीतर ज्ञान का उदय होना। त्रेता युग में जब धरती पर रावण और तारका जैसे असुरों का आतंक बढ़ गया था, तो स्वयं भगवान विष्णु जी ने श्री राम का अवतार लेकर धरती पर आए। परंतु रावण का वध करना ही राम के पूजन का कार्य नहीं है, बल्कि उनका पूरा जीवन एक उदाहरण है, जिस कारण इनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाया जाता है। आइए संक्षेप में जानते हैं राम जी की जन्म कथा। महाराज दशरथ ने पुत्र प्राप्ति हेतु यज्ञ आरंभ करने की ठानी। महाराज की आज्ञा अनुसार श्यामकर्ण घोरा चतुरंगनी सेना के साथ छुड़वा दिया गया। महाराज दशरथ ने समस्त मनस्वी तपस्वी विद्वान ऋषि मुनियों तथा वेद विज्ञ प्रकांड पंडितों को यज्ञ संपन्न कराने के लिए बुलावा भेज दिया। निश्चित समय आने पर समस्त अभ्याग्रतों के साथ महाराज दशरथ अपने गुरु वशिष्ठ जी तथा अपने परम मित्र अंग देश के अधिपति लोभपाद के जमाता रिंग ऋषि को लेकर यज्ञ मंडप में पधारे। इस प्रकार महान यज्ञ का विधिवत शुभारंभ किया गया। संपूर्ण वातावरण वेदों के उच्चारणों से गूंजने तथा संहिता की सुगंध से महकने लगा। समस्त पंडितों ब्राह्मणों ऋषियों आदि को यथोचित धन धान्य गौ आदि भेंट करके सादर विदा कर यज्ञ की समाप्ति हुई। राजा दशरथ ने यज्ञ के प्रसाद में चढ़ा हुआ खीर अपने महल में ले जाकर अपनी तीनों पत्नी में वितरित कर दिया। प्रसाद ग्रहण करने के परिणाम स्वरूप तीनों रानियों ने गर्भ धारण किया। जब चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र में सूर्य मंगल शनि बृहस्पति तथा शुक्र अपने अपने उच्च स्थानों में विराजमान थे, कर्क लग्न का उदय होते ही महाराज दशरथ की बड़ी रानी कौशल्या के गर्भ में से शिशु का जन्म हुआ, जो कि नीलवर्ण चुंबकीय आकर्षण वाले अत्यंत तेजोमय परम कांतिवान तथा अत्यंत सुंदर था। उस शिशु को देखने वाले देखते रह जाते थे। इसके पश्चात शुभ नक्षत्रों और शुभ घड़ी में महारानी कैकेयी के एक और तीसरी रानी सुमित्रा के दो तेजस्वी पुत्रों का जन्म हुआ। चारों पुत्रों का नामकरण संस्कार महर्षि वशिष्ठ के द्वारा किया गया और तथा उनके नाम रामचंद्र भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखे गए। उन दिन राक्षसों का बहुत प्रकोप था। एक दिन गुरु विश्वामित्र अयोध्या नगरी पधारे। उन्होंने राजा दशरथ से श्री राम और लक्ष्मण को मांगा, जिससे वे अपना यज्ञ निर्विघ्न रूप से संपन्न कर सके। श्री रामचंद्र और लक्ष्मण जी मुनि विश्वामित्र के साथ उनके आश्रम में चले गए। यज्ञ की रक्षा करते हुए श्री रामचंद्र जी ने ताड़का नामक राक्षस का वध किया। उसी दौरान उन्होंने खरदूषण का भी वध किया। मुनि विश्वामित्र का यज्ञ निर्विघ्न पूर्ण हुआ। उसके बाद मुनि विश्वामित्र दोनों राजकुमार को लेकर मिथिला नगरी की ओर चल पड़े, जहां राजा जनक ने अपनी पुत्री का स्वयंवर आयोजित किया था। रास्ते में श्री रामचंद्र जी ने पत्थर की बनी हुई अहिल्या को शाप मुक्त करवाया। कुछ दिनों बाद दोनों राजकुमार मुनि विश्वामित्र के साथ मिथिला नगरी पहुँचे। राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के विवाह के लिए यह शर्त रखी थी कि जो भी राजकुमार या राजा शिवजी की धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी के साथ वे अपनी पुत्री सीता का विवाह करेंगे। दोनों राजकुमार विश्वामित्र के साथ जनक के राजसभा में सीता के स्वयंवर को देखने गए। प्रतिज्ञा के अनुसार सभी आमंत्रित राजाओं ने शिव जी के धनुष को उठाने की कोशिश की, लेकिन सफल ना हो सके। ये देखकर राजा जनक को बहुत निराशा हुई। तब मुनि विश्वामित्र ने श्री रामचंद्र जी को आज्ञा दी कि वे धनुष को उठाकर प्रचंडता कहर दे, जिससे राजा जनक की प्रतिज्ञा पूरी हो। गुरु की आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष को उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाने के समय वो धनुष टूट गया। रामचंद्र जी का विवाह सीता जी के साथ हो गया, साथ ही लक्ष्मण का उर्मिला से, मांडवी का भारत से और श्रुति कीर्ति का शत्रुघ्न से विवाह संपन्न हुआ। विवाह के कुछ दिनों के पश्चात राजा दशरथ ने श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक करने के लिए मुनि सह शुभ मुहूर्त निकलवाया। पूरे राज्य में राज्याभिषेक की तैयारी होने लगी। तभी मंथरा नामक दासी के कहने पर कैकेयी ने राजा दशरथ को अपने कोप भवन में बुलाया। जब राजा दशरथ कैकेयी के पास पहुँचे, तब कैकेयी ने महाराज दशरथ को उनके वचन की याद दिलाई, जो वचन राजा दशरथ ने कैकेयी को युद्ध के समय अपनी सहायता करने के बाद दिया था। उस वचन को याद दिलाते हुए
कैकेयी ने कहा, राम के स्थान पर भरत का राज्याभिषेक और राम जी को 14 वर्ष का वनवास। यह सुनकर राजा दशरथ मूर्छित हो गए। जब श्री रामचंद्र जी को पता चला तो वे पिता के वचन को पूरा करने के लिए 14 वर्ष के वनवास को जाने के लिए तैयार हो गए। सीता जी और लक्ष्मण जी भी श्री रामचंद्र के साथ वन को चले गए। इधर पुत्र शोक में राजा दशरथ स्वर्ग की प्राप्ति हुई। भरत और शत्रुघ्न उस समय ननिहाल में थे। जब वो लौटे तो अपने माता कैकेयी का मुख देखना भी स्वीकार नहीं किया। भरत ने राम जी के पास वन में जाकर लौटने की विनती की, लेकिन पिता के वचन को पूरा करने का वास्ता देकर रामचंद्र जी ने भरत को लौटने की आज्ञा दी। तो भरत ने श्री रामचंद्र जी का खड़ाऊ मांगा, जिससे कि उस खड़ाऊ को राजगद्दी पर रखकर वे राम जी के सेवक के रूप में राज्य का देखभाल कर सके।